गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्टैटिक डेटा मेंबर। कल हमने देखा था अबाउट प्राइवेट मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन आप प्राइवेट में डिक्लेयर करते हो या पब्लिक में, उससे क्या इफेक्ट आती है वो हमने देखी थी, उसका प्रोग्राम एज वेल एज थियरी। आज का हमारा जो ये टॉपिक है स्टैटिक डेटा मेंबर। ओके, स्टैटिक डेटा मेंबर देयर इज टू मेन पार्ट्स। ओके, टू मेन पार्ट्स है उसमें। स्टैटिक आप अपने वेरिएबल को भी बना सकते हो और मेंबर फंक्शन को भी, मींस स्टैटिक वेरिएबल्स एंड स्टैटिक फंक्शंस। ओके, दो पार्ट है। व्हेन वी डिक्लेयर एनी वेरिएबल ऑफ अ क्लास एज स्टैटिक, जब आप अपने किसी भी क्लास के वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करते हो, या व्हेन वी डिक्लेयर एनी वेरिएबल एज स्टैटिक इट हैज टू फॉलोइंग द प्रॉपर्टीज, उसको क्या प्रॉपर्टीज फॉलो करनी पड़ती है जब आप किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करते हो इन योर क्लास। ओके, इट इनिशियलाइज टू जीरो व्हेन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास हैज बीन क्रिएटेड। जब आप अपने वेरिएबल को स्टैटिक बनाते हो तो उसका मतलब क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी, इट विल बी इनिशियलाइज टू जीरो, वो जीरो इनिशियलाइजेशन हो जाएगा उसकी वैल्यू में। ठीक है, जब भी आप किसी वेरिएबल को स्टैटिक बनाओ, पर जब आप अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तब उसकी वैल्यू इनिशियलाइज होगी। नो अदर इनिशियलाइजेशन विल बी पॉसिबल, और कोई भी इनिशियलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगी। ओके, ओनली वन कॉपी ऑफ वेरिएबल हैज बीन क्रिएटेड एंड इट विल बी शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स। अब अगर आप देखोगे आपके क्लास में जो स्टैटिक वेरिएबल हो, तो थ्रू आउट प्रोग्राम आप अपने क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट बनाओ, सबके बीच उसकी एक ही कॉपी शेयर होती है। ठीक है, जो नॉर्मल फंक्शन हो, नॉर्मल वेरिएबल अगर है आपका, जो आपने स्टैटिक नहीं बनाया, रेगुलर जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे अलग, तो उसकी न्यू कॉपी जनरेट होती है इन दैट न्यू ऑब्जेक्ट। बट स्टैटिक में आपको वो उसकी प्रॉपर्टी है कि जब आप किसी वेरिएबल को स्टैटिक करते हो या डिक्लेयर करते हो, तो उसकी थ्रू आउट प्रोग्राम सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच एक ही कॉपी शेयर होगी। इट्स लाइफ टाइम विल बी थ्रू आउट द प्रोग्राम, और आपका जो स्टैटिक वेरिएबल है उसकी जो लाइफ है थ्रू आउट प्रोग्राम, मीन्स जब तक आपका प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन खत्म नहीं होता तब तक उसकी लाइफ है, तब तक उसकी स्कोप होता है। तो ये है आपका स्टैटिक डेटा मेंबर। ओके, ये आपको फिगर दिख रहा है स्क्रीन पे, ए बी एंड सी, ये आपके तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, और काउंट नाम का जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे दिखाया है, जो ये काउंट नाम का जो आपका वेरिएबल है, ठीक है, वो स्टैटिक है, वो आपको एज्यूम करना है दिस इज योर स्टैटिक वेरिएबल। अब ये जो आपके तीन ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी एंड सी, इन द अबव फिगर वेरिएबल काउंट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक, ये जो आपका वेरिएबल है वो हमने स्टैटिक डिक्लेयर किया हुआ है, एंड देयर विल बी ओनली वन कॉपी ऑफ दैट वेरिएबल विल बी क्रिएटेड एंड इट इज सेड बाय ऑल द मेंबर दैट इज ए बी एंड सी। ये तीनों जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, तीनों के बीच इसकी एक ही कॉपी जनरेट की जाएगी। तो ये थे आपका स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ओके, जैसे आपका स्टैटिक वेरिएबल है वैसे ही आप अपने मेंबर को, मींस मेंबर फंक्शन को भी स्टैटिक बना सकते हो। लाइक स्टैटिक मेंबर वेरिएबल वी कैन हैव स्टैटिक मेंबर फंक्शन, जैसे हमारा वेरिएबल स्टैटिक डिक्लेयर हो सकता है, वैसे ही हम अपने यूडीएफ मींस फंक्शन को भी स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं। When declare any member function is static, it has following properties. जब आप किसी भी अपने member function को static declare करते हो, तो उसकी properties क्या होगी? Okay, first,
अ स्टैटिक फंक्शन कैन ओनली एक्सेस टू अदर स्टैटिक मेंबर ऑफ द सेम क्लास ओनली। जब आप किसी भी फंक्शन को स्टैटिक बनाते हो तो आपको रिक्वायरमेंट होगी वो किसको एक्सेस कर सकता है, आपके स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को ऑफ सेम क्लास ओनली। ठीक है, आप फंक्शन अगर स्टैटिक बनाते हो तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी, आपके पास स्टैटिक मेंबर वेरिएबल भी होना चाहिए। स्टैटिक मेंबर फंक्शन कांट बी कॉल्ड यूजिंग डॉट ऑपरेटर बट यू हैव कॉल इट विद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। अब आप अपने जो सिंटैक्स है मेंबर फंक्शन को कॉल करने की, जो सिंटैक्स हमने देखी थी प्रीवियस प्रोग्राम में, ठीक है, उसको रिकॉल करो। क्या सिंटैक्स थी उसकी, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन नेम। आपको कोई भी अगर मेंबर फंक्शन कॉल करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, मेन में आप लिखते हो ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन नेम। पर जब आप अपने मेंबर फंक्शन को स्टैटिक डिक्लेयर करते हो, अगर आपका मेंबर फंक्शन स्टैटिक है तो उसको कॉल करने की मेथड चेंज हो जाएगी। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप अपने मेंबर फंक्शन को कॉल करो तो उनकी सिंटेक्स क्या होगी। जैसे हमने इनलाइन फंक्शन देखा हुआ था, ठीक है, और रेगुलर मेंबर फंक्शन देखे हुए हैं कि कैसे आप उनको कॉल करते हो इन योर मेन क्लास, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो और उस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर यूज करके आप अपने मेंबर फंक्शन को कॉल करते हो। अब आपको स्टैटिक मेंबर फंक्शन कॉल करना है तो उसके लिए आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज थी, स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन, ये दो आपके टॉपिक्स थे जो इसमें हमने स्टैटिक डेटा मेंबर की और स्टैटिक मेंबर फंक्शन की प्रॉपर्टीज देखी। अब हम प्रैक्टिकली उसके प्रोग्राम्स देखेंगे। तो ये आपका कोड है स्टैटिक मेंबर के लिए, जहां पे हमने स्टैटिक मेंबर का यूज किया है। ओके, लेट्स सी द कोड। फर्स्ट ऑफ ऑल iostream.h, देन आफ्टर योर conio.h, क्लास आइटम, आइटम नाम का क्लास रखा है मैंने नाम उसका, स्टैटिक इंटीजर काउंट। ठीक है, काउंट नाम का मैंने स्टैटिक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। कौन सा वेरिएबल है हमारे पास, स्टैटिक काउंट। उसके बाद दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ इंटीजर नंबर, जो सिंपल इंटीजर वेरिएबल है, स्टैटिक नहीं है, उसके ऊपर जो काउंट है वो स्टैटिक वेरिएबल है। अब उसके बाद void get data, get data नाम का UDF ले रहा हूँ, इंटीजर a, नंबर इक्वल टू a एंड काउंट प्लस प्लस, और get count, ठीक है, get count जहाँ पे मैंने काउंट की वैल्यू प्रिंट करवाई हुई है, यहाँ पे क्लास ओवर किया, देन आफ्टर सेमी कॉलन, क्लास में हमारा फंक्शन और वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए। अब क्लास के बाहर याद रहे जो आपका स्टैटिक वेरिएबल है उसको आपको क्लास के बाहर डिक्लेयर करना है। ये सिंटेक्स आपको याद रखनी है कि जब भी आप अपने क्लास में कोई भी स्टैटिक वेरिएबल यूज करते हो तो आपको उसको क्लास के बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसकी सिंटेक्स क्या रहेगी, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेटा टाइप, क्या डेटा टाइप है उसकी, इंटीजर, कौन से क्लास में है, आइटम, आइटम क्लास के अंदर है, मीन्स योर क्लास नेम। उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और आपके वेरिएबल का नाम, ठीक है, ये उसकी सिंटैक्स है, डेटा टाइप, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड योर वेरिएबल नेम।
आपको क्लास के बाहर आपका स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। ओके, वॉइड मेन, आपका मेन फंक्शन आइटम ए बी एंड सी। आपके क्लास के मैंने तीन ऑब्जेक्ट बनाए, ए बी एंड सी, तीन ऑब्जेक्ट हैं। सी एल आर एस सी आर स्क्रीन आपकी क्लियर करवाने के लिए। ओके, ए डॉट गेट काउंट, बी डॉट गेट काउंट, सी डॉट गेट काउंट। गेट काउंट नाम का जो ये फंक्शन है, मैं पहले इसको कॉल कर रहा हूँ जिसमें मैंने काउंट की वैल्यू प्रिंट करवाई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब आप डिक्लेयर करते हो आप उसकी प्रॉपर्टी को रिकॉल करो स्टैटिक वेरिएबल की। जब आप अपने क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो तब उसकी वैल्यू, स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज टू जीरो। उसकी वैल्यू कहाँ, कौन सी इनिशियलाइज हो जाती है, जीरो। तो यहाँ पे मैंने जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं ए बी और सी, तीनों के गेट काउंट मेथड कॉल की है। तो तीनों में जो हमारा काउंट वेरिएबल है वो इनिशियलाइज जीरो हो जाएगा। और तीनों ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल की एक ही कॉपी शेयर की जाती है। ओके, तो पहले तीन बार काउंट की वैल्यू प्रिंट होगी जो जीरो आनी चाहिए आउटपुट में। देन आफ्टर गेट डेटा, जो आपका गेट डेटा फंक्शन है, यहाँ पे इंटीजर ए जो आप वैल्यू पास करोगे वो नंबर में आएगी और काउंट की वैल्यू प्लस होगी। ठीक है, ये दो दोनों चीजें याद रखना। नंबर इक्वल टू ए मीन्स यहाँ से जो वैल्यू पास करोगे गेट डेटा में वो नंबर की होगी और काउंट जो आपका काउंटर वेरिएबल है वो प्लस प्लस होगा। ओके, तो ए डॉट गेट डेटा, बी डॉट गेट डेटा, सी डॉट गेट डेटा। तो ये जो वैल्यू है 100, 200 और 300 मीन्स आपके नंबर की वैल्यू क्या होगी, 100, 200 एंड 300। आफ्टर रीडिंग डेटा ए डॉट गेट काउंट, बी डॉट गेट काउंट, सी डॉट गेट काउंट। हमने यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट दिए हैं, ठीक है, तीनों में एक ही कॉपी काउंट वेरिएबल की जनरेट होगी, जिसका मतलब क्या है कि आपका काउंटर वेरिएबल उसमें 1, 2 और 3 एक ही कॉपी है, मींस तीनों का आउटपुट सेम आना चाहिए जब भी आप ये प्रोग्राम रन करोगे। ठीक है, लेट्स कंपाइल इट। पहले हम कंपाइल करते हैं, ये हमने प्रोग्राम कंपाइल कर लिया, ठीक है, एरर नहीं है उसका, मीन्स कि आप अपना प्रोग्राम का आउटपुट चेक कर सकते हो। ये आप देख सकते हो अपनी आउटपुट काउंट इक्वल टू 000। क्यों 0? क्योंकि जब भी आप अपने स्टैटिक वेरिएबल जो है वो क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो तो उसकी वैल्यू इनिशियलाइज टू 0 हो जाती है। यहाँ पे काउंट की वैल्यू तीनों जगह 3 आ रही है। क्यों 3? क्योंकि एक ही कॉपी जनरेट होगी आपके वेरिएबल की, इसीलिए तीनों में अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया है हमने, फिर भी उसकी वैल्यू है वो सेम रहेगी। नंबर में ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो आपका नॉर्मल वेरिएबल है, जिससे कि हर बार जब आप ऑब्जेक्ट आप दिखाओगे ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करोगे तो उसकी अलग अलग कॉपी जनरेट होती है, पर नंबर जो है उसकी वैल्यू अलग अलग होगी, 100, 200 एंड 300। तो ये है आपका स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। ठीक है, आपको सिंटैक्स याद रखनी है, जहाँ पे आपको वेरिएबल क्लास में स्टैटिक डिक्लेयर करना है पहले क्लास के अंदर, वहाँ पे आपको स्टैटिक कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा आपके रेगुलर इनिशियलाइजेशन के अलावा। ठीक है, और वही चीज़ क्लास खत्म होने के बाद अगेन आपको क्लास के बाहर आपका स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा विद द सिंटेक्स डेटा टाइप, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड योर स्टैटिक वेरिएबल नेम। ओके, सेम वे अब हम
स्टैटिक मेंबर फंक्शन का प्रोग्राम देखते हैं। ओके, स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, iostream.h, conio, क्लास, टेस्ट, टेस्ट नाम का क्लास बनाया है, इंटीजर, कोड, कोड नाम का इंटीजर वेरिएबल है, और अगेन स्टैटिक इंटीजर काउंट, काउंट नाम का स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ क्लास में। फिर आपके पब्लिक सेक्शन में है void set code, void code equal to plus plus count, ठीक है, कोड की वैल्यू क्या होगी जो काउंट का काउंटर है। उसके बाद दूसरा UDF दे रहा हूं, void show code, cout ऑब्जेक्ट नंबर, कोड की वैल्यू यहां पे प्रिंट करवाई है। स्टैटिक void show count, ओके, जैसे हमने काउंट नाम का स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, सेम वे हमारे क्लास में मैं हमारा फंक्शन है शो काउंट नाम का, उसको स्टैटिक बना रहा हूं, मींस योर स्टैटिक मेंबर फंक्शन। उसकी प्रॉपर्टी को आप रिकॉल करोगे तो आपको पता है कि स्टैटिक जब मेंबर फंक्शन हो वो आपके स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकता है। तो शो काउंट का आपका मेंबर फंक्शन है, ठीक है, वो किसको एक्सेस कर सकता है, काउंट नाम के वेरिएबल को। उसके लिए आपको स्टैटिक मेंबर फंक्शन के लिए आपको स्टैटिक वेरिएबल चाहिए, तो यहाँ पे मैंने काउंट की वैल्यू जो आपका स्टैटिक वेरिएबल है वो प्रिंट करवाई है। ओके, काउंट एस आपका स्टैटिक वेरिएबल है, आपको क्लास के बाहर इनिशियलाइज करना है, जिसकी सिंटेक्स हमने अभी रिफर की है, ठीक है। योर मेन फंक्शन, ओके, टेस्ट t1, t2, तो t1 और t2, जो टेस्ट नाम का हमने क्लास बनाया है उसके दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, t1 और t2, मीन्स आपके क्लास टाइप ऑफ वेरिएबल कंसिडर होंगे आपके ऑब्जेक्ट जो है, क्लास टेस्ट के दो ऑब्जेक्ट हैं t1 एंड t2। स्क्रीन क्लियर करवाई यहाँ पे, ओके, t1.setCode, t2.setCode, जो आपका setCode फंक्शन है वो मैंने दोनों ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया है। फिर यहाँ पे showCount, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि showCount आपका static member फंक्शन है, तो उसको कॉल करने के लिए आपकी जो सिंटेक्स है वो क्या रहेगी, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड योर स्टैटिक मेंबर फंक्शन नेम, ठीक है। ऊपर के आप यहाँ पे सिंटेक्स देखो, जो आपका सेट कोड है रेगुलर मेंबर फंक्शन है, तो उसको कॉल करने की सिंटेक्स क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन नेम, ठीक है, ये उसकी सिंटेक्स है। जब आप रेगुलर मेंबर फंक्शन को कॉल करो तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन नेम। पर अब आप आपका जो मेंबर फंक्शन स्टैटिक है उसको कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए आपको क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड योर स्टैटिक मेंबर फंक्शन नेम, ठीक है, आपको आपके स्टैटिक मेंबर फंक्शन का नाम देना है। ओके, अगेन नया ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा हूं, टेस्ट t3.setCode, अगेन शो काउंट कॉल किया मैंने यहां पे, t1.showCode, t2 एंड t3, शो कोड वाली जो हमारी मेंबर फंक्शन है उसको मैंने तीनों ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया है। तो ये चीज एक याद रहे, फॉर स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन आपको क्या क्या सिंटेक्स
ध्यान में रखनी है। अगेन एक बार रिपीट कर देता हूं, क्लास में आपको जब भी कोई मेंबर वेरिएबल स्टैटिक बनाना है तो उसको जहां पे आप डिक्लेयर करते हो उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड ऐड करना है। क्लास खत्म होने के बाद आपको अगेन उस स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है विद द सिंटैक्स डेटा टाइप क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड योर स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। और अगर आपको आपका मेंबर फंक्शन को स्टैटिक बनाना है तो उसकी सिंटैक्स क्या होगी, जहां पे आप डिक्लेयर कर रहे हो वहां पे स्टैटिक कीवर्ड ऐड करना होगा। और एक चीज आपने इस प्रोग्राम में ध्यान देना कि यहाँ पे जो मेरे मेंबर फंक्शन है उनकी डेफिनेशन क्लास के अंदर ही दे दी है, क्लास के बाहर नहीं दी है। ठीक है, जो आपके पास दोनों ऑल्टरनेटिव है, आप अपने मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन जो होती है कोड वो क्लास के अंदर भी दे सकते हो और क्लास के बाहर भी दे सकते हो। प्रीवियस प्रोग्राम में हमने पहले वाली मेथड फॉलो की थी सॉरी, जहां पे हमने क्लास के बाहर हमारे मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन दी थी, यहाँ पे क्लास के अंदर ही दी हुई है। ओके, और स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल करने की सिंटैक्स क्या रहेगी, क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड योर मेंबर स्टैटिक मेंबर फंक्शन। और एक चीज है कि स्टैटिक जो वेरिएबल मेंबर फंक्शन हो वही आपके स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। ओके, प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, ये हो गया आपका प्रोग्राम कंपाइल, नो एरर। वन टू थ्री, टू थ्री, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो हमने कॉल किए थे उनकी आउटपुट है, आउटपुट डजंट मैटर्स, जो इम्पोर्टेंट है कि आपको स्टैटिक वेरिएबल और मेंबर फंक्शन कैसे यूज करना है, उनको डिक्लेयर कैसे करना है और उनको कॉल कैसे करना है। तो ये था आज के हमारे दोनों टॉपिक, स्टैटिक मेंबर फंक्शन एंड योर स्टैटिक डेटा मेंबर, उसकी प्रॉपर्टीज दोनों की हमने देखी इन थियरी पार्ट, एंड प्रैक्टिकली उसकी सिंटैक्स कैसे उसको यूज करना है वो हमने देखा। तो आज के लिए इतना इनफ है, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करूंगा। टिल देन थैंक यू।